इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत की आजादी के पूर्व गुजरात का वडोदरा देश की सबसे प्रमुख रियासतों में से एक था। वडोदरा के महाराजाओं का आधुनिक भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए जानते हैं वडोदरा के गायकवाड़ राज परिवार की कहानी। गायकवाड़ परिवार का इतिहास शुरू होता है अराउंड 1720s में, जब मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था। तब सतारा के पेशवा है छत्रपति शाहू, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते। उन्होंने अलग अलग जो प्रांत है जिन्हें मराठों को कब्जा करना था, उन्हें अपने डिफरेंट डिफरेंट जनरल्स में और सरदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तब जो मालवा का जो प्रांत है वो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर पेशवा बाजीराव को असाइन किया, और उनके जो उनके अंडर जो लेफ्टिनेंट्स थे जैसे कि सिंधियाज और होलकर्स, उन्होंने वहां पर चढ़ाई करके मालवा को कैप्चर किया। दूसरी तरफ जो गुजरात, जो बहुत ही अमीर प्रॉस्परस ट्रेडिंग वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा था मुगल साम्राज्य का, उसे उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ सर सेनापति दाभाड़े को असाइन किया। और जब सर सेनापति दाभाड़े ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसे मराठों के लिए कैप्चर करने की कोशिश की, तो उस समय जो गायकवाड़ परिवार के संस्थापक है पिलाजीराव गायकवाड़, वो उनके अंडर थे। और अराउंड 1720s में पिलाजीराव गायकवाड़ ने जो एरिया है वडोदरा का, उसे शेर खान बाबी जो बालासिनोर के नवाब है उनसे कैप्चर किया और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज जमाया। उस समय गायकवाड़ों की पहली राजधानी जो थी वो थी सोनगढ़ का किला, जो अभी गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट में है। बट पिलाजीराव गायकवाड़ का जो अभय सिंह है जोधपुर के महाराजा, जो मुगल सूबेदार थे गुजरात के, उनके साथ काफी झड़प हुई और पिलाजीराव का खून हुआ। जो असैसिन्स थे अभय सिंह ने भेजे हुए उनके हाथ। उसके बाद आए दामाजीराव गायकवाड़। नव दामाजीराव गायकवाड़ है, उन्होंने भी गुजरात में काफी कैंपेन्स किए और अपना पराक्रम उन्होंने काफी दिखाया और गायकवाड़ों का यू नो स्टेटस बढ़ता गया। 1731 में क्या हुआ, जो सर सेनापति दाभाड़े हैं और पेशवा बाजीराव, उन दोनों के बीच काफी कलह बढ़ने लगा। बिकॉज पेशवाज स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन गुजरात, और जो सर सेनापति दाभाड़े है वो उनसे कह रहे थे कि आप इंटरफियर मत कीजिए, ये हमारा इलाका है। और यू नो ये कलह बढ़ता गया, विच लेड टू द बैटल ऑफ डभोई 1731 में, जिसमें सर सेनापति त्रिम्बकराव दाभाड़े शहीद हुए। और यू नो गायकवाड़ों के भी काफी जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी निधन हो गया, एंड इट वाज अ बिग डिफीट फॉर द दाभाड़ेज एंड द गायकवाड़। उसके बाद एक बार जो पेशवा बाजीराव है उन्होंने अपना वर्चस्व गुजरात पर दिखा दिया, पर उन्होंने डायरेक्टली इंटरफियर नहीं किया। उन्होंने जो सर सेनापति दाभाड़े हैं और गायकवाड़ है, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे उन्हें चलाने दिया। 1750s में क्या हुआ, पेशवा बाजीराव के बेटे हैं नाना साहेब, वो चाहते थे सर सेनापति दाभाड़े परिवार की ताकत को खत्म करना। फिर उन्होंने दामाजीराव गायकवाड़ पर बहुत प्रेशर डाला और यू नो उन्हें जो लोहागढ़ का किला है लोनावले के पास, उन्हें वहां पर यू नो कैदी बनाकर भी रखा गया और उन पर बहुत दबाव डाला गया। एंड फाइनली दामाजीराव अग्रीड कि हम पेशवाज के डायरेक्टली अंडर आ जाएंगे। और उसके बाद जो गायकवाड़ है दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू द पेशवाज। तो ये जो कलह है गायकवाड़ों और पेशवाओं के बीच में जो इनिशियल डेज का, उसने आगे चलकर एक बहुत निर्णायक मोड़ लिया। गायकवाड़ों ने कभी अनलाइक सिंधियाज एंड होलकर्स एक्सेप्ट ही नहीं किया पूरी तरह से पेशवाओं को। इनफैक्ट जब पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1770s में, तो बड़ौदा के गायकवाड़ यू नो सबसे प्रमुख मराठा सरदार थे जिन्होंने
अंग्रेजों का साथ दिया, और उसके बाद भी जैसे सिंधियाज और होलकर ने काफी लड़ाइयां की, अपने अपनी टेरिटरीज काफी एक्सपैंड की। जो गायकवाड़ थे उनका बहुत ही फर्टाइल मुल्क था, ब्लैक कॉटन सॉइल थे, ट्रेडिंग पोर्ट्स थे और आमदनी काफी थी, तो वो खुश थे, तो उन्होंने ज्यादा लड़ाइयां नहीं की। अराउंड 1805 में दे साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वो ऑफिशियली एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन गए। उसके बाद क्या हुआ, जो काठियावाड़ रीजन है गुजरात का, वहां पर काफी स्टेट्स थे जैसे कि जूनागढ़, भावनगर, जामनगर, गोंडल, राजकोट, तो ये जो स्टेट्स हैं वो बड़ौदा को ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो गायकवाड़ों ने क्या किया, दे जस्ट ट्रांसफर्ड द सुजरेनिटी जिसे बोलते हैं, एक प्रमुखता इन सारे जो पूरे काठियावाड़ रीजन की, टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो अमरेली है और द्वारका, ये जो दो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं काठियावाड़ में, वो अपने पास रखी। द्वारका को लेकर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जब मैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की फाइल्स को देख रहा था, तो ये 1947-1948 की काफी कॉरेस्पॉन्डेंस मिलता है बड़ौदा के आखिरी महाराजा प्रताप सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द द्वारका शंकराचार्य को लेकर। द्वारका जो है वो भगवान कृष्ण की नगरी है, हिंदू धर्म में उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है, तो इससे हमें पता चलता है कि द्वारका पर अपना राज होने के कारण गायकवाड़ों का इनडायरेक्टली जो शंकराचार्य, द्वारका शंकराचार्य की जो अपॉइंटमेंट है उसमें हाथ रहता था, और उसी तरह से देवर इन्फ्लुएंसिंग द रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट जो कहते हैं मंदिर का और वो सब इन दैट रीजन। बड़ौदा एक प्रिंसली स्टेट या एक रियासत ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर बन गया, और इनफैक्ट 1818 में इवन जो मराठा साम्राज्य है, पेशवा का पद है, वो भी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, और पेशवा वॉज एग्जाइल टू बिठूर, और गायकवाड़ बड़ौदा में अपना शासनकाल चलाते रहे। 1850s के दशक में महाराजा खांडेराव गायकवाड़ गद्दी पर आए, उन्होंने काफी काम करवाए बड़ौदा में, और काफी वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी बड़ौदा की काफी बड़ी ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स। इनफैक्ट उस समय गायकवाड़ों के पास इतनी संपत्ति आई कि बहुत जो फेमस हीरे हैं उस समय के, दुनिया के सबसे फेमस, जिसे अकबर शाह, इंग्लिश ड्रेसडन और स्टार ऑफ द साउथ कहा जाता है, उसे महाराजा खांडेराव ने खरीदा और उसे एक बहुत ही फेमस, जिसे बड़ौदा नेकलेस कहा जाता है, उसमें उसे लगाया था। इट वॉज द फाइनेस्ट नेकलेस इन इंडिया एट द टाइम, और उसी समय उन्होंने जो फेमस, जिसे बड़ौदा पर्ल्स या बड़ौदा के मोती कहा जाता है, सतलड़ा, जो बड़े बड़े मोतियों का सतलड़ा है, उसे उन्होंने बनवाया। इनफैक्ट उन्होंने 2 75 किलो की दो सोने की तोहफे और 2 चांदी की तोहफे बनवाई थी, जो 1980s तक गायकवाड़ परिवार के पास थी, और काफी दुनिया में वो सोने की तोहफे बहुत ही फेमस थी। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो यूरोप है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें दो सोने की तोफ वाले, हीरे वाले गायकवाड़ों का नाम बढ़ने लगा, और लोग बड़ौदा रियासत को जानने लगे। 1870 में महाराजा खांडेराव गायकवाड़ का निधन हुआ, और उनके छोटे भाई महाराजा मल्लराव गायकवाड़ राजगद्दी पर आए। अब ये समय है 1857 के रिवोल्ट के बाद का। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा मल्लराव के और जो अंग्रेज हैं उनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि महाराजा मल्लराव भारत की स्वतंत्रता को सपोर्ट करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को सपोर्ट करते थे, ऐसा कहा जाता है। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से उन्हें गद्दी से हटाया जाए। अब 1875 में क्या हुआ, एक दिन की बात है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है बड़ौदा के, कर्नल फायर, वो नाश्ता कर रहे थे, और उन्हें लगा कि उनका जो ऑरेंज जूस है उसमें कुछ है। फिर उन्होंने बहुत हंगामा मचाया एंड ऑल, और वो पता चला कि वो ऑरेंज जूस में कुटे हुए हीरे हैं, और बहुत हाहाकार हुआ, और ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट में एंड ऑल, और फॉर सम रीजन उन्होंने कुछ करके एंड ऑल ऐसा
डिसाइड किया अंग्रेजों ने कि ये महाराजा ने ही अंग्रेज ऑफिसर की खून करने की कोशिश की है। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहां पर इन्वेस्टिगेशन कमीशन बिठाया गया एंड फाइनली महाराजा मल्लराव गायकवाड़ को गद्दी से हटाकर मद्रास भेजा गया। उसके बाद जो उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी महारानी जमनाबाई, जो खांडेराव महाराज की पत्नी, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लड़का अडॉप्ट करेंगी। तो जो नासिक का कावलाना गांव है वहां से एक दूर के जो रिश्तेदार है उनका बेटा गोपाल राव को उन्होंने अडॉप्ट किया और वो आगे चलकर बिकेम द फेमस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने जो आधुनिक भारत बनने में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ गांव से आए तो उनका ट्रेनिंग शुरू हुआ। तंजोर माधवराव थे दीवान, उनके अंडर उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। और जो अंग्रेज चाहते थे कि ये लड़का है इसे हम ब्रिटिश स्टाइल का ट्रेनिंग दे सके, फिर आगे जाके वो ब्रिटिश राज को सपोर्ट करेगा, बट हुआ कुछ अलग। महाराजा सयाजीराव जैसे वो बड़े हुए, ही बिकेम वेरी प्रोग्रेसिव रूलर, उन्होंने रिफॉर्म्स कराए, उन्होंने बड़ौदा रियासत में यूनिवर्सल एजुकेशन स्टार्ट किया, उन्होंने बड़ौदा कॉलेज स्टार्ट किया, लाइब्रेरी स्टार्ट की, उन्होंने इंडस्ट्रीज का निर्माण किया और बहुत बड़ौदा का विकास हुआ। उन्हें लगा कि जो साहूकार है वो गरीब किसानों को बहुत लूट रहे हैं, इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का निर्माण किया। ना सिर्फ बड़ौदा का विकास बट इनफैक्ट उनके काफी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काफी लोग हैं उनके साथ उनके संबंध रहे। सबसे फेमस है जो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें वो अंग्रेजों के सामने न झुकने वाले एकमेव महाराजा थे। उसके बाद उनके अरविंदो के साथ बहुत क्लोज संबंध रहे। जो दादा भाई नवरोजी है उन्हें उन्होंने जो उनके जो लंदन इलेक्शन हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में उसके लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप की। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है जो जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्हें वो एक गरीब स्टूडेंट थे, उन्हें स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजा पढ़ाई के लिए। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और उनकी पत्नी महारानी चंदाबाई लंदन और पेरिस जाते थे तो जो स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव्स हैं वो उन्हें फॉलो करते थे, क्योंकि जब वो वहाँ जाते थे तो वो जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज हैं जैसे कि मैडम कामा और सावरकर और बाकी सब उनसे मिलते थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने डायरेक्टली एज अ महाराजा वो नहीं सपोर्ट कर सकते थे, बट इनडायरेक्टली लोगों के थ्रू भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बहुत सपोर्ट किया और उनका उनका नाम दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ। एज द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा लोग उन्हें जानते थे और बर्नर्ड शॉ और ही हैड अ लॉट ऑफ उनके इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी थे। तो इस तरह से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा का प्रेस्टीज बहुत बढ़ाया। 1939 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का निधन हुआ और राजगद्दी पर आए उनके पोते महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़। उन्हें द लास्ट ऑफ द बिग स्पेंडर्स कहा जाता है बिकॉज वो अपनी जो लैविश लाइफस्टाइल है और एक लार्जर देन लाइफ इमेज, उन्हें बहुत शौक था रेस के घोड़ों का, महलों का, गाड़ियों का, हीरे जवाहिरातों का। तो उन्होंने काफी ही वॉज अ बिग स्पेंडर, तो जब वो यूरोप जाते थे तो बहुत शॉपिंग करते थे और काफी बड़ौदा का पैसा उन्होंने शॉपिंग में लगाया और बट उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए बड़ौदा में, वो एक अच्छे शासक थे। तो महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत में अपनी रियासत विलीन करने वाले वो पहले महाराजा थे, पर बाद में उनके भारत सरकार के साथ काफी डिफरेंसेस हुए और 1951 में उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद आए महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़। महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ तो नाम के महाराजा थे, रियासत तो विलीन हो चुकी थी, पर इंडिपेंडेंट इंडिया में उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से री इन्वेंट किया। उन्होंने बड़ौदा रेयॉन जो 1980s तक एक ब्लू चिप कंपनी थी उसका निर्माण किया। वो BCCI में काफ़ी पदों पर रहे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और इस तरह से उन्होंने जो गायकवाड़ों की लेगेसी है वो चलाई।